टू देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट के सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग फंक्शन को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है, इसका वैल्यू होगा साइन टू एक्स बाई में फाइव एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स या तो जीरो से लेस देन होगा या जीरो से ग्रेटर होगा। एफ एक्स का वैल्यू के हो जाता है इफ एक्स इक्वल टू में जीरो। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके एल एच लिमिट और आर एच लिमिट की बात करते हैं, किस पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। चलिए एल एच लिमिट देखिए, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस देंगे और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, एफ एक्स का वैल्यू जीरो से लेस देन के लिए यहाँ पे क्या है साइन टू एक्स बाई में फाइव एक्स। अब एक काम करते हैं, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, यहाँ पे साइन टू एक्स और बाई में टू एक्स कर लेते हैं और यहाँ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, बात को समझे ना, डिवाइड हुआ या मल्टीप्लाई हुआ, और इसमें वाला जो फाइव है इसके फ्रैक्शन में से दे देते हैं। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं टू बाई फाइव कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस साइन टू एक्स बाई में टू एक्स, तो इसका तो वैल्यू वन ना हो जाएगा, तो टू बाई फाइव इंटू में वन यानी टू बाई फाइव इसका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग आर एच लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और फंक्शन आपका एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू जीरो से ग्रेटर के लिए है यहाँ पर साइन टू एक्स बाई में फाइव एक्स, यानी अब इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू एक्स बाई में टू एक्स, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड हो गया और बाई में यहाँ फाइव देते हैं ये जो था। अब ये टू बाई फाइव कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू बाई फाइव लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और आपका आ जाएगा साइन टू एक्स बाई में टू एक्स, तो इसका वैल्यू वन, तो टू बाई फाइव इंटू में वन इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे टू बाई फाइव। एल एच लिमिट आई एच लिमिट निकल गया, तो अब हम लोग एफ जीरो की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन का वैल्यू है के, तो एफ जीरो का वैल्यू है के, तो ये कंटिन्यूअस कब होगा यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 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 एट एक्स इक्वल टू जीरो, कब होगा, इफ इफ एल एच लिमिट जो होगा इक्वल होगा आर एच लिमिट के, है ना, और इक्वल हो जाएगा यहां से एफ जीरो के। चलिए तो यहां पर हम लोग अब लिख सकते हैं इसका वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू है टू बाई में फाइव, इसका भी टू बाई फाइव और ये आपका k, यानी k का वैल्यू यहाँ से टू बाई फाइव हो जाना है। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर देख